प्ले स्टॉप, प्ले स्टॉप। कुछ ऐसे ही है प्रीशा और रुद्राक्ष की जिंदगी। जैसे ही शुरू होती है इनकी लव स्टोरी, यानी शुरू होता है इनकी लव स्टोरी का प्ले बटन, वैसे ही लग जाता है फुल स्टॉप। हम तो यही जानते हैं कि इनका ये फुल स्टॉप ना निकाल कर बाहर फेंक दें। वैसे क्या हो रहा है आज रुद्राक्ष और प्रीशा की कहानी में, ले चलते हैं आपको सीधा इनके पास। स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में प्रीशा और रुद्राक्ष पहुंच गए हैं थाने पूछताछ के सिलसिले में। असल में रेवती को अपने बेटे देव के लापता होने का सुराग मिला है, जिसमें उसको पता चला है कि देव के लापता होने में कहीं ना कहीं रुद्राक्ष और प्रीशा का हाथ जरूर है, और इसीलिए रेवती ने रुद्राक्ष और प्रीशा को थाने बुलाया है। इसी बात को लेकर रुद्राक्ष और प्रीशा दोनों ही परेशान हैं और डरे हुए भी हैं। एक्चुअली श्रुति करके एक लड़की थी जिसने आलिया को बोला कि उसने सारांश को छत के ऊपर जाते हुए देखा। रूही ने भी देव ने कहा था कि वो रूही को लेके जाने वाला है ऊपर, तो इससे आलिया को पता चल जाता है कि अच्छा, इसका मतलब देव आया था और देव छत पे गया था और रूही और सारांश भी गए थे, और ये बात उसने अपनी मॉम को बताया। तो ऑब्वियसली उसकी माँ तो फिर ऑब्वियसली आग बबूला हो गई और सीधा हमें आके घर से अरेस्ट किया। रुद्राक्ष और प्रीशा की टेंशन तब बढ़ जाती है जब थाने में वो अपनी माँ सारांश और रूही को देखते हैं। इस बात को लेकर रुद्राक्ष अपनी माँ पर नाराज भी होता है, लेकिन तभी रेवती आती है और रुद्राक्ष को बताती है कि रुद्राक्ष प्रीशा के साथ साथ रुद्राक्ष की माँ सारांश और रूही से भी पूछताछ होगी। हालांकि रुद्राक्ष ने पहले से ही इस चीज की तैयारी कर रखी है। देखो फिलहाल तो हमें रुद्र ने ऑलरेडी समझा बुझा के पहले से बोल दिया था कि अगर हमने किसी ने इंटरोगेट किया तो हमें एग्जैक्टली क्या बोलना है। तो हम वैसे तो हमारी तैयारी पूरी है, बट फिर भी पुलिस पकड़ के लेके गई तो हम थोड़े डरे हुए हैं। हम इतना दिखा नहीं रहे लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए हैं, और देखते हैं अभी आगे। वो उसने कहा कि वो सबको अलग अलग से इंटरोगेट करेगी, तो पता नहीं क्या पूछने वाली है, लेकिन हमारी भी तैयारी भी पक्की है तो हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी।